नमस्कार, मैं पल्लवी कुमारी आप सभी लोगों का स्ट्रेट लाइन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शिष्टाचार, जब इलेक्शंस का समय होता है तो इलेक्शन से पहले नेता लोग क्या करते हैं कि हमारे घरों में आते हैं और पूरे मोहल्ले के जितने भी घर होते हैं उन घरों में जा जाकर ये कहते हैं कि हमें वोट दें। अगर घर में कोई हमारा सदस्य है, कोई महिला है, तो उसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हमें वोट दें। अगर कोई बुज़ुर्ग महिला है या बुज़ुर्ग कोई हमारे घर पर है तो उसके पाँव छूकर वो ये कहते हैं कि हमें वोट दें। और जब वो बन जाते हैं, MLA बन जाते हैं या फिर MP बन जाते हैं, उसके बाद उनका रवैया उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने उनको वोट देकर जिताया वो बदल जाता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी हैं जो हमें ये कहते हैं आए दिन कि आप BJP को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बात BJP या कांग्रेस की नहीं है किसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बात उसकी नहीं है, मैं बात कर रही हूँ MLA की, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की। मैं बात कर रही हूँ MP की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जिन लोगों को हम वोट देकर जिताते हैं, जिन लोगों को हम वोट देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप लोक सेवा करें, आप लोगों की सेवा करें, उन लोगों का रवैया क्या हो जाता है जीतने के बाद, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। आप देखेंगे कि किस तरीके से विधायक जी, जब उन लोगों को, जब लोगों ने उन विधायक जी को घेर लिया और कहा, उनसे सवाल पूछे, तो विधायक जी का क्या जवाब था, उन्होंने किस तरीके से उनसे बात की, देखें इस वीडियो में। आप हमारे विधायक हैं तो हम तो बोल ही सकते हैं। आप गए थे, देख के आए, शांति से बात करिए। शांति से ही बोल रहे हैं सर, अनुशासनहीनता नहीं कीजिए मेरे साथ। कहां को अनुशासनहीनता हमको बोलते वक्त मत कर, धीरे आवाज में बोलिए, जिस तरह से हम बोल रहे हैं। बोलो बेटा, आप तो हमारे गांव गए ना, अरे धीरे बोलो ना, आप हमारे गांव गए ना, वादा भी किए, रोड आपका बनवा रहे हैं, हम लोग का रोड अभी तो बहुत जगह का रोड नहीं बना, आपका भी नहीं बना, बनेगा। आप हमको ले चलिए अपने गांव में, उस दिन हम आएंगे, आइए फिर हम कोशिश करेंगे। ऐसा तो हम विश्वकर्मा महाराज नहीं है कि हम जीत के गए थे सबके रोड बनाइए देंगे। ठीक है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। इंग्लिश नहीं समझते हो तो इंग्लिश पढ़ो, हमसे लड़ाई करने आए कि हमसे आप हमसे झगड़ा करने आए, आपका मेरा, आप सर रूडली बोल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, तुम्हारी उम्र, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारी उम्र क्या और मेरी उम्र क्या है सर? ठीक है, आपका तुम्हारे बाप की उम्र क्या है, जरा होश में बात करो सर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे। ऐसे बोल रहे हो, अरे तो चुप, एक एक करके बात रखिए। क्या नाम है इसका? अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? संयमित रखना है, बात है, वैसे नहीं बोलिए। आपका ये 5 साल में पूरे पंचायत का, पूरे विधानसभा कल्याण होगा, सारा जगह रोड नहीं बना हुआ, हम तो, हम लोग को तो करीब पता है कि सब जगह। हम तुम्हारे विधायक हैं, तुम्हारा अधिकार है बोलना और मेरा अधिकार है करना, लेकिन शिष्टाचार बहुत बड़ी चीज है। कहाँ हमने शिष्टाचार? इस तरह से बोला हूँ, अरे वो बोला क्या हुआ? आप उसके साथ क्यों लाया ऐसे लड़के? वो भी तो ऐसे ही बोल, वही बात आपको पिछले बार भी गए थे, भीम मांग गए थे सर, हम भी गए थे, बोले आपको सर की रोड बासा में मेरा क्या बोले भी बांधे में के लिए तो बोल ली है, हमारा वोटवा मांगना तरफ एलियो की ने हथा जोड़ के बोलियो की वोटवा दी है तो हमारा जी मैं दिन के लिए तो हाँ गए आपका घर तक गए तो हमने प्रयास कर लियो की कर लियो नहीं वो बोला की 5 साल हो लोग बोल रहे घर पर नहीं गए थोड़ा की बोले लियो नहीं बोले वो कहाँ बन ले नहीं हम तो 5 साल में 15 साल हो सरकार चलिए सबके चापा कल हम करवाइये देवे चापा कल मांगे हम सबके घर हम बनवाइये देवे घर मांग रहे सबके हम रोड बनवाइये देवे संभव है गांव का रोड चलेंगे अभी नेक्स्ट टाइम अफसर को लेके चलेंगे आओ देखो यार देखो हमसे काम कराना है तो प्यार से काम करो हम तुमसे प्यार से वोट मांगे थे हमको अनुभंड नहीं बोलो बुतरू कहाँ गया क्या यही बात करो कोई कुछ नहीं प्रॉब्लम अपलोड करना पड़ेगा अपलोड करना काट दिया वीडियो को ना। तो देखिए आपने विधायक जी की बोली, जब लोगों ने इनको घेरा और इनको कहा, इनसे सवाल पूछे कि हमारी सड़कें अभी तक क्यों नहीं बनी, तो विधायक जी ने जवाब में ये कहा कि मैं भगवान तो नहीं हो गया रातों रात, सड़कें बना दूंगा, बन जाएंगी सड़कें, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। लोगों ने भी कहा कि भाई पिछले 5 सालों से आप हैं,
पिछले 5 सालों में आपने सड़कें नहीं बनाई तो अब कब तक बनाएंगे, क्योंकि दोबारा तो आप वापस जीत के आए हैं, अब कब तक बनेंगी सड़कें। तो विधायक जी ने यह कहा कि भाई शिष्टाचार सीख के आए, पहले सीख के आए बात करने का तरीका, क्योंकि जब मैं आपके घर वोट लेने के लिए गया था तो मैं हाथ जोड़कर वोट लेने के लिए गया था और आप भी मेरे सामने हाथ जोड़कर ही आए, ऐसा विधायक जी का कहना था। लोकतंत्र है हमारे देश में, यहाँ पर हम वोट देते हैं, लोग वोट देते हैं तो नेता बनते हैं, पर लगता यही है कि रजवाड़े ख़त्म हो गए पर अब इन रजवाड़ों की जगह इन विधायकों ने ले ली है।